नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। सुपौल सदर बाजार में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब लॉकडाउन के दौरान स्टेशन चौक पर लगी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने एक रिक्शे वाले पर लाठी चटका दी। आरोप है कि लाठी लगने से रिक्शा चालक घायल हो गया। जैसे ही रिक्शे वाले के साथ पुलिस की पिटाई की बात आसपास के तमाम ठेले और रिक्शा चालक गोलबंद होकर पुलिस के विरोध में मोर्चा खोलते हुए सड़क जाम कर दिए। जानकारी मिली है कि इसके बाद पुलिस जाम हटाने आई तो उस पर आक्रोशित लोगों ने पथराव कर दिया, पुलिस के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी की घायल होने की सूचना भी मिली है। वही दूसरी तरफ एक रिक्शा चालक भी घायल हो गया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल स्टेशन चौक पहुंची। मामला तनातनी का था, लिहाजा सदर SDO स्थल पर पहुंचे और किसी तरह मामले को शांत किया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। क्या मामला था? देखिए, हमला नहीं है ये, जो बाजार बंद कराने का समय है उस समय नियमित रूप से प्रशासन पुलिस के लोग जाते हैं बंद कराने। इसे बंद कराने के लोग बंद कराने को लेकर कुछ स्थानीय ठेला वेंडर थे उनके साथ झड़प हो गई थी और कोई भी बात नहीं है, मार्केट की वाली घटना नहीं हुई है। उसे बंद करवाने में हल्का झड़प हुआ है जो साफ कर दिया गया। पहले से तैयारी थी, कई पत्थर वहाँ बरामद हुए हैं, ऐसा देखिए जो अभी हम लोग देखे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि पूर्व से तैयारी था। ये अचानक ही सारी बात हो गई, जब झड़प हुआ उसी के बीच में तो आपस में कहा सुनी के पड़ गई बात। जवान भी घायल हुआ है सर, हल्की चोट लगी है, एक हमारे पुलिस जवान को भी चोट लगी है, एक उधर से भी ठेला भी तरफ हल्की चोट आई है। वाहन क्षतिग्रस्त हुए? क्षतिग्रस्त नहीं, हल्का शीशा टूटा है एक का, जो उस समय ठेला वेंडर्स लोग थे उसी में आक्रोशित होकर उन्होंने कुछ किया है, जिसका जो जवान है घायल हुए, एक जवान घायल हुआ है हमारा, हल्का चोट लगा है, एक ठेला वेंडर को भी हल्की चोट लगी है, दोनों का सदर अस्पताल में इलाज भी करा रहे हैं। R9 भारत के लिए शहबाज खान की रिपोर्ट, सुपौल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। विद्यापति नगर प्रखंड क्षेत्र के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय कन्या सहित स्कूल मलकलीपुर में चोरी की घटना सामने आई है। प्रधान अध्यापक संतोष कुमार तरुण ने बताया कि 5 मई से लॉकडाउन लगने के कारण स्कूल में छुट्टी के बाद से स्कूल में ताला लगा था। आज सोमवार को स्कूल में वैक्सीनेशन के लिए आया तो पता चला कि स्टोर रूम के पीछे वाली खिड़की खुली हुई है, तार भी कटा हुआ है। स्टोर रूम में चेक किया गया तो देखा गया कि रखे ट्रंक खुले हुए हैं, जिसमें कब्जा तोड़कर 40 कंबल, 1 टोपियां, 12 mm व 4 छड़ सहित जरूरी कागजात सहित अन्य सामान चोरी हुआ है। आपको बता दें कि स्कूल में चोरी की पहली घटना नहीं है, इस तरह की घटना कई बार हो चुकी है। 8 माह में पहले 20 बोरी चावल की चोरी हुई थी। चोरी की सूचना दूरभाष के माध्यम से थाने को दे दी गई है। क्या नाम है? संतोष कुमार तरुण। स्कूल में क्या है आप? प्रधानाध्यापक हैं। क्या हुआ है स्कूल में? स्कूल में जैसे कि आज हम आए हैं, स्कूल में चोरी हो गया है, 35-40 कंबल का, 1 टोपिया है, 4 पिछड़ था। आज स्कूल में COVID-19 का वैक्सीन लगने वाला था, उसी में हम लोग आए हुए थे। जब आए हैं तो पूरा ऐसे फील्ड हम लोग घूम के जब आते देखते रहते हैं तो देखने के क्रम में देखे थे खिड़की खुला हुआ, जब खिड़की खुला हुआ था तो फिर हम चाबी लेके रूम खोले, रूम में जो ट्रंक था जिसमें कंबल रखा हुआ था वो ट्रंक टूटा हुआ, उसमें से कंबल गायब है, उसमें जो कुछ अभिलेख था कागज पत्थर आधा गायब है और कुछ वहाँ फेंका हुआ है, उसी में एक टोपिया रखा हुआ था और एक 4 पीस छड़ था, सब गायब हो गया। इससे पहले भी इस विद्यालय में 22/8 को 20 बोरा चावल चोरी हो गया था, जिसका हम थाना में फायर भी किया, 1000 कॉपी भी है मेरे पास। अच्छा, अभी से थाना को सूचित किए हैं? हाँ, थाना को फोन पर सूचित कर दिए हैं। कैसे चोरी हो गया पता चला? किधर से निकाल के ले गया? खिड़की से, खिड़की तोड़ के। खिड़की खुली हुई थी? हाँ। R9 भारत के लिए रत्नशंकर भरद्वाज की रिपोर्ट, समस्तीपुर।